बिस्मिल्लाह रहमानी, वेलकम टू अवर चैनल महफिल फूड पॉइंट। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। जो हमारे चैनल को नए देखने वाले लोग हैं, वो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दिया करें। आज हम आपके लिए सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं। ये टोमेटो मैक्रोनी सूप है, जो हम चिकन और वेजिटेबल के साथ बनाएंगे, बहुत मज़े का बनता है। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये तकरीबन 1 पाव चिकन है हमारे पास। आप बोनलेस ले लें या बोन के साथ ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आधा कप मैक्रोनी हमारे पास, ये जब बॉईल हो जाएगी तो 1 कप बन जाएगी। 1 कप स्वीट कॉर्न है हमारे पास, ये 1 कप टमाटो पेस्ट है, इसको हमने बॉईल करके इसका छिलका उतार लिया और इसका पेस्ट बना लिया है। ये बंद गोभी हमारे पास, 1 शिमला मिर्च है, 1 गाजर है, इसको क्यूब्स में कटिंग कर लें। 2-3 जवे लहसुन के इसको चॉप कर लिया हमने। और ये स्पाइसेस हैं, ये आप अपनी मर्जी से अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें। काली मिर्च का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, चाइनीज सॉल्ट है, नमक है हमारे पास, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस है, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर है। चले अब हम चिकन और मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं, हम थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। चिकन डाल देते हैं इसमें, इसको हमने अच्छी तरह गला लेना है। ये 10-15 मिनट में हमारी चिकन तैयार हो जाएगी और इसकी यखनी भी तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसको ढक के रख, ये हम पानी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें जब पानी बॉयल होने लगे तो इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। ये हमारे पास एल्बो मैक्रोनी है, ये छोटी होती है इसलिए इसमें सूप में अच्छी लगेगी, ये तो आप भी ये इस्तेमाल करें। एक तरफ हमारा चिकन बॉईल हो रहा है और ये हम मैक्रोनी बॉईल कर लेते हैं। जब ये अच्छी तरह फुल गल जाएगी तो फिर हम इसको छलनी में निकाल लेंगे। मैक्रोनी बॉईल हो गई है, ये बिल्कुल सही तरह गल गई है। अब हम इसको छलनी में डाल के इसके ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे, वरना ये आपस में चिपक जाती है। इसके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे। जब भी आप मैक्रोनी बनाएं तो इस तरह ऊपर से इसके ठंडा पानी डाल दिया करें, वरना आपस में चिपक जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये ठंडी होगी बिल्कुल। ये 2 चम्मच हमने ऑयल लिया है, इसको हमने गरम कर लिया। इसमें लहसुन चॉप किया हुआ ये डाल देते हैं। इसके साथ ये चिकन हमने श्रेड कर ली है, ये डाल देते हैं इसमें। यखनी हमने अलग निकाल ली है। ये टमाटर इसमें डाल देते हैं, टमाटर का पेस्ट है हमारे पास। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 कुटी हुई लाल मिर्च है, पीसी हुई काली मिर्च है और चाइनीज सॉल्ट है। नमक हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला था, तो अगर आप और डालना चाहें तो चख के डाल दें। Thank you.
अब इसमें यखनी डाल देते हैं। ये सारी यखनी हमने इसमें ऐड कर दी है। ये यखनी हमने डाल ली है, इसके साथ ही ये गाजर और शिमला मिर्च ये डाल देते हैं इसमें। इसके साथ ये बंद गोभी डाल दें इसमें। ये स्वीट कॉर्न है हमारे पास, ये डाल देते हैं इसमें। इसको एक 2 मिनट हमने पकाना है। अब ये मैक्रोनी इसमें डाल देते हैं। इसके साथ हम हस्बे जरूरत आप चिली सॉस ऐड कर दें इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक। ये सोया सॉस है, ये इसमें डाल देते हैं। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें सिरका ज्यादा ऐड कर दें, 2-3 खाने के चम्मच हमने सिरका डाला इसमें। अब इसको जब बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये पानी को एक बॉईल आ जाए तो हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है इसमें। इसको अच्छी तरह नीचे से मिक्स कर लें। चूल्हा हल्का कर देना हमने और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए हमारा सूप अब ठीक हो गया। ये सूप इतना थिक होना चाहिए, ये देखिए जब ये ठीक हो जाएगा तो ये सब्जियां ऊपर आ जाएंगी सारी। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत मजे का हमारा टोमेटो सूप तैयार हो गया। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये सूप को हम डिश आउट करते हैं। तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हमारी रेसिपी शेयर किया करें और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती तो लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ हमारे चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।